आलिम ऑनलाइन में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदी। अगले दिन एक क्लिप यूट्यूब पे आया हुआ, एक बरेलवी मौलाना और कराची का एक मौलवी है तारिक मसूद उसका नाम है, वो लतीफे सुनाने वाले मौलवी का उम्र यार वर्गा उदा मुंह है, तुसी वेख्या होना है। आदमी की शक्ल अच्छी ना हो ना तो भगवान कहता है बातें अच्छी करनी चाहिए। चंगी जनाब अली कोट किरली वर्गा उदा कादे बांदर हाथ माचिस आई ना तो पूरे शहर नु अग लाती। चवड़ा मारदा है सोशल मीडिया ते जो जानदा बांदर नचण डया हुण बंदा करे की। कोई मुड़े तो मजा आता है कि यार इनके पास अब कोई चीज नहीं है सिवाय गालियां निकालने के। जेड़े बंदे ने होना तुसी सुनदे को नहीं, उन मैं करा की इत्थे जो मिर्ज़े प्लंबर जो अन्नी पी आउंदी कुत्ती चट्टी आउंदी। सरकार वो इस वजह से नहीं परेशान के वो इंजीनियर साहब को सुन रहे हैं, वो इस वजह से परेशान है कि इंजीनियर साहब को सुनने के बाद तो सारी फ्रॉडिये निकले, निक्के मोटे बड़े छोटे काले पीले कुत्ते बिल्ले सारे लगे बैठे जे। शर्म नहीं आती इन लोगों को बात करते हुए। और कभी किसी कम के बंदे नु भी सुन लिया करो। मैं इसी वजह से कहना 99 कत्ल तो तुसी भी कीते ने, मैं तो सारे जिंदा करते ने। मैं कह जी सब नु सुनो। चवल जानदा जे ए ओ बंदा जेड़ा मंदिरां ते जांदा है ते मजारां ते जाण नु शिरक कहंदा एदी आ औकात जे। अगले दिन मुझे किसी ने तारिक मसूद साहब का एक क्लिप दिखाया। अब मुझे तो पता चल गया था कि ये बात क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये काटा हुआ है, उसकी वजह ये है। अगरचे मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी हुई लेकिन मुझे पता है ये बात किस सेंस में हो रही है। और फिर उसके कुछ दिनों के बाद ही ना मेरे सामने वो वीडियो पूरी भी आ गई, तो मैंने वही निकली जो मैं समझ रहा था कि ये बात हुई होगी। इन्हें जनाब अली आख्या जी देवबंदियों भाभियों में फर्क ये है कि बरेलवी तीजा सातवां दसवां करते हैं और देवबंदी नहीं करते। ओ भाई दोए भरा हो तुसी। हां पुत ये गल नहीं, ये तेरे जड़े बुजुर्गां लिखे ही ना ये हिफ्ज़ुल ईमान दे अंदर। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, हमजा बरेलवी साहब 1921 में फौत हुए, उन्होंने अपने फतावा रज़विया के अंदर जिस किताब की तारीफ की और इससे बढ़कर रसूलल्लाह पर झूठ बांधा कि ये किताब रसूलल्लाह की बरगाह में मकबूल है सबा सनाबिल, उसके अंदर चिश्ती रसूलल्लाह लिखा हुआ है। तो ये पुराने बुजुर्गों से अगर आप जान छुड़ाएंगे इनका क्या करेंगे? और ये 100 साल पहले इन बुजुर्गों का दिफा करना इस बात का सबूत है कि किताबें नहीं बदली। 100 साल पहले तक तो किताबें नहीं बदली हुई थी जब भी वो दिफा कर रहे थे ना, अदरवाइज वो कहते ना किताबें बदल गई हैं। चीटिंग 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 करता है तू। मेरे पियो का नाम अहमद रजाई। मालूम है तेरे बाप को मैं सिखा चल। ओ बाबा लेके आओ जेड़ा आदा मेरा प्यो नहीं पलबदा। इस वास्ते ए जेड़े फेसबुकी मौलवी ने अपने आप नु लगाम पाओ, यकीन करो तुसी साड़ी एक साठ नहीं सहनी। मैं तुहानू दसदा पिया और दुनिया में देख ले मेरे हाथों इनकी क्या जिल्लत हुई है। इन्होंने पिछले 1000 साल में जितनी इज्जत कमाई थी ना पिछले 10-12 साल में उससे ज्यादा जिल्लत कमा चुके मैं। और ये तुहानू पता होना चाहिए असी मुमताज कादरी दे पीर भाई ए दोए कहानी बाज हो। मेरे को अपनी औकातां च रहो, ए जेड़े जादियां कोट किरलियां ते छतीरियां नू जफे। तो गालियां देना इस तरह करना भी इल्मी रद्द करो। ए किसे होर नू चाल के चूरन बेची तेरा साडे हुंदियां कोनी विकण लगा। तो मैंने बार बार कहा था कि मनु ना छेड़ो, मनु छेड़ोगे मैं तुहाडे एंडलेस नू पकड़ांगा, मुंडू फड़ांगा तुहानू। को बंदे सुनन वाले ने, तू शक्ल ते वेखो ना जिवें हुक्क ते चिलम रखी हुंदी है। जेड़ा ए गल कवे ओदी भैण दी सिरी। आज भी जो उलमा मेंबरों पे चढ़ के ये बंदरों वाली हरकतें कर रहे, वैसे देखें मिसाल कितनी जबरदस्त है और बंदरों की मिसाल उलमा यहूद के साथ भी है, क्योंकि ये बंदर किसको अल्लाह ने कून क़िरदत खास ईद फिटकारे हुए बंदर बन जाओ जो कुरान में आया था बनू इसराइल को कि उन्होंने हीला कर लिया था असाबे सब्त ने हफ्ते के दिन शिकार मछलियों वाले चक्कर में, तो उनको भी अल्लाह ने बंदर बनाया और नबी इस्लाम ने ख्वाब में भी बंदर की शक्ल में आपको दिखाया गया कि आपके मेंबर पे चढ़ेंगे। आज भी जो उलमा उलमा सू दीन बिगाड़ के पेश कर रहे हैं या दीन को इस फॉर्म में पेश कर रहे हैं कि दीन का मजाक बनवा रहे हैं मेंबर के ऊपर, तो ये बंदर ही है। और ये जो बंदा है ना जी, इस बंदे को तो अरबी प्रोनाउंस भी नहीं करनी आती।